गजेंद्र यादव जिंदाबाद 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 गजेंद्र यादव जिंदाबाद 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 दुर्ग का नेता कैसा हो गजेंद्र यादव कैसा हो। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी लगातार आज दूसरी लिस्ट का जारी कर चुकी है। पहले 21 लिस्ट में लिस्ट के उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया गया था, अब फिर एक बार 64 उम्मीदवारों का लिस्ट बीजेपी ने जारी किया है। उसी लिस्ट में एक नाम है गजेंद्र यादव, जो कि स्काउट गाइड के पूर्व मुख्य आयुक्त रह चुके हैं। उनको बीजेपी ने दुर्ग शहर से अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरे साथ गजेंद्र यादव खुद मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। गजेंद्र यादव जी, आपको बीजेपी ने आप पे भरोसा जताया है और वो भी दुर्ग शहर से, जहाँ से मोतीलाल बोरा स्वर्गीय मोतीलाल बोरा के बेटे विधायक है, क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ जनों का, वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विश्वास जताया, उसके लिए मैं श्रद्धेय ओपी माथुर साहब, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, आदरणीय अरुण साहू जी, आदरणीय पवन साय जी और सभी महामंत्रियों का, सभी हमारे वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और आज हम इस सीट को वापस हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। पिछले 52 वर्ष से दुर्ग बीच के कालखंड स्वर्गीय हेमचंद यादव जी के तीन कार्यकाल को छोड़कर 52 साल से कांग्रेस का एक ही परिवार इस शहर का नेतृत्व कर रहा है। वहाँ से हम एक परिवर्तन की बेला, हम चाहते हैं कि परिवर्तन लाना है, परिवार वक्त से हमको इस दुर्ग शहर को मुक्त करना है। आज भी एक ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, सब तमाम बड़े पदों में रहे, लेकिन शहर बहुत छोटा सा हमारा दुर्ग शहर विधानसभा है, 60 वार्डों का, आधे से ज़्यादा वार्ड आज ही पानी की समस्या, पेयजल और मूलभूत समस्याओं से ग्रसित है। इन तमाम समस्याओं को हम दूर करेंगे, जनता के बीच में हमेशा जनता के लिए लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे, यही मैं विश्वास दिलाता हूँ। अभी तो फिलहाल वहाँ पे सिटिंग MLA अरुण बोरा है, हालांकि कांग्रेस ने अभी उनका टिकट क्लियर नहीं किया कि उसको टिकट मिलेगा, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के रूप में आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के अगर कोई प्रतिद्वंदी आपका आएगा तो उसे आप किस नज़र से देखते हैं, कैसे मात देंगे उसे? कांग्रेस के प्रतिद्वंदी कोई भी रहे, मुझे भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है, हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। क्या मुद्दे दिखते हैं आपको दुर्ग शहर में? आप घूमते होंगे, लोगों की समस्याएं देखते होंगे, क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? शहर गड्ढों से पटा हुआ है, यहाँ पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या है। बिजली हाफ बोलते बोलते अभी हम आप खड़े हैं, मैं खुद पसीने से तरबतर हो गया हूँ, लगातार 5 बार हो गया है, पिछले दिन भर में लाइट बंद हो रहा है। ये शहर का विद्युत नगर की स्थिति है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे शहर में बिजली क्या स्थिति है। स्कूल की समस्या बहुत तकलीफ देह है, तमाम मूलभूत सुविधाओं की समस्या लोगों को, उसको दूर हम करने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट में बताइएगा कि गजेंद्र यादव कौन है और जनता जाने कि गजेंद्र यादव ने पर बीजेपी ने क्यों भरोसा जताया? गजेंद्र यादव एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता है। मैं यहीं मुकुंद मोहन बैद्यनाथ पारा में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक बहुत छोटे से शासकीय बिजली उस समय के मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी रहे, बाजू में बिजली ऑफिस के बाजू हम रहते थे और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। प्राइमरी स्कूल में मारवाड़ी विद्यालय दुर्ग में पढ़ा, 6वीं से 12वीं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी तक मैं गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ जो अभी वर्तमान JRD स्कूल में वहाँ पढ़ाई किया। तत्पश्चात BSc फर्स्ट ईयर करने के बाद मैं भिलाई में ITI किया, वापस फिर साइंस कॉलेज से मैं MA में रांची शास्त्र में MA किया। भारत जब BSc फर्स्ट ईयर कर रहा था तो लोकसभा चुनाव में श्रद्धेय स्वर्गीय ताराचंद साहू जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय मैं कचहरी वार्ड से मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से मतदाता पर्ची बांटने काम करते रहा। 96 लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची बांटा, 98 चुनाव में मतदाता पर्ची बांटा और साथ ही उसी समय श्री स्वर्गीय हेमचंद यादव जी भी विधानसभा चुनाव लड़े, उनके भी वार्ड का काम मैं उस समय देखा था। मैं उस समय ये सब देखते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में पहली बार श्रद्धेय स्वर्गीय हेमचंद यादव जी ने मुझे भाजपा वार्ड इकाई का अध्यक्ष बनाया, वहीं से वार्ड अध्यक्ष बना। 1999 के पार्षद चुनाव लड़ा, कचहरी वार्ड के मतदाताओं ने मुझ पर विश्वास जताया और मैं 5 बार के पार्षद रहे और पूर्व उप महापौर को मैं बहुत भारी मतों से उस समय चुनाव हराया था। यहाँ से जीवन प्रारंभ किया था। तत्पश्चात 2005 के बाद मेरे को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री 2 बार बनाए और 2015 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत
राज्य मुख्य आयुक्त स्काउट गाइड का जिम्मेदारी दिया। एक छोटे से बहुत अल्प समय के 3 वर्ष के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि, हमने छत्तीसगढ़ का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला और यहाँ के बच्चों के लिए एक नया आयाम हमने काम करने का प्रयास किया। साथ ही साथ पहली बार हम उस समय महसूस किया कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले जो बच्चे जो आर्टी के तहत पढ़ाई करते हैं उनके बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को देखते हुए मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रद्धेय रमन सिंह जी और माननीय शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी को निवेदन किया, तो उस समय हम पूरे प्रदेश के जिसमें दुर्ग जिले के आरटी में पढ़ने वाले बच्चों के उनके पालकों का सम्मेलन और पढ़ाने वाले स्कूलों का सम्मेलन किए। उसका परिणाम ये रहा कि आज आरटी में जो भी समस्या आती है सरकार उसमें ध्यान देती है। उस एक हमारा एक सराहनीय कदम था। एक कर्म नृत्य होता है जो पूरे ट्राइबल संस्कृति, हमारी देश की संस्कृति ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में आधे से ज़्यादा भूभाग में ट्राइबल हैं, उनको कर्म देवता को पूजने वाले कर्म नृत्य का हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया। 23,000 बच्चों ने एक साथ सामूहिक नृत्य किया, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, गिनीज बुक ने उसको सर्टिफाइड किया। अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लो गजेंद्र यादव विधायक बन जाते हैं दुर्ग शहर में, जीत के आ जाते हैं, तो पहला क्या काम करेंगे आप वहाँ पे शहर के लिए, क्या दिखता है अभी कि यहाँ क्या क्या? शहर में मूलभूत सुविधाओं के लिए हम संघर्ष करेंगे, मूलभूत सुविधाओं को दिलाएंगे लोगों को। दूसरा, पूरे हम जब बचपन में सुनते थे, पढ़ाई करते थे, तो कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा शहर, सबसे शांत शहर, जहाँ कोई प्रकार का अपराध नहीं होता, ऐसा शहर हमारा दुर्ग माना जाता था। दुर्भाग्य से आज आधा दुर्ग नशाखोरी और अपराध का गढ़ बनते जा रहा है, और तो सारे प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं वो स्थानीय विधायक और कांग्रेस के लोगों के द्वारा उनको सह दिया गया है। उनके खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से अपराध मुक्त शहर हम इस शहर को बनाएंगे। तो ये थे गजेंद्र यादव जो कि दुर्ग शहर से बीजेपी के उम्मीदवार है। इन्होंने दावा किया कि जैसे मेरी सरकार, अगर मैं जीतता हूँ, हमारी सरकार बनती, तो सबसे पहले मैं जो अपराध दुर्ग शहर में बढ़े हैं उसे मैं कम करूँगा और जनता की जो असुविधा है उनको दूर करूँगा। दिलीप शर्मा, ABP News, दुर्ग, छत्तीसगढ़।